टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईशान किशन पर अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। रणजी ट्रॉफी में झारखंड की ओर से अभी तक रणजी ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं खेलने के बाद हो सकता है बीसीसीआई ईशान किशन पर कड़ा रवैया अपनाए। ईशान किशन पर घरेलू क्रिकेट की बजाय आईपीएल को प्राथमिकता देने के आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, टीम इंडिया में भी ईशान किशन की वापसी कब होगी इस पर सवाल और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। ईशान किशन को फिलहाल बीसीसीआई की ओर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में रखा गया है। बीसीसीआई सी कैटेगरी के खिलाड़ियों को सालाना 1 करोड़ रुपए फीस देती है। ईशान किशन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हुए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं की गई है। ईशान किशन के मुश्किलों की शुरुआत उस वक्त हुई जब उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे से मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दक्षिण अफ्रीका दौरे से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद ईशान किशन को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ईशान किशन की वापसी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पहले किशन को शुरुआती 2 टेस्ट से बाहर रखा गया, इसके बाद आखिरी 3 टेस्ट के लिए भी किशन को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। और फिर इसी बीच खबर आई कि ईशान किशन हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके बाद ईशान के नाम की चर्चा और तेज हो गई कि अगर वो फिट हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेल रहे हैं। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया था कि ईशान किशन को वापसी करने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना होगा, लेकिन किशन ने इस बात को नहीं माना और वो झारखंड की ओर से सभी रणजी मैचों से बाहर रहे जो अभी तक खेले गए हैं। इस शर्त को पूरा नहीं करने के चलते अब किशन की वापसी पर तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। झारखंड रणजी ट्रॉफी के अपने आखिरी लीग मैच में 16 तारीख से राजस्थान से भिड़ेगी, और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब ईशान किशन झारखंड की ओर से रणजी ट्रॉफी मैच में खेलेंगे या नहीं। अब इस पर आप क्या राय है, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।